सो हेलो एवरीवन, दुर्गेत दिस साइड एंड बैक में वीडियो। तो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ MT15 V2 के बारे में, जो कि लिमिटेड टाइम के लिए आता है। लिमिटेड एडिशन भी लोग कहते हैं, मोटो जीपी एडिशन भी कहते हैं, मॉन्स्टर एनर्जी एडिशन भी कहते हैं। तो फिलहाल मैं मॉन्स्टर एनर्जी एडिशन कहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये काफ़ी हद तक मतलब R15 जैसे आती है वैसी लगती है, और काफ़ी स्मूथ इंजन वगैरह होता है। तो सारी स्पेसिफिकेशन मैंने बता रखी है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा अपनी वीडियो का, तो आप वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। और सारी चीज़ें मैंने उसमें कवर कर रखी हैं, तो आप एक बार जाओ और देखो। अभी मैं इसमें बारे में बात करने वाला हूँ कि किसको लेनी चाहिए, क्यों लेनी चाहिए और प्राइस क्या है इसका। तो चलो अभी आप वीडियो देखो और मज़े लो। तो शुरुआत करते हैं बाइक के फ्रंट से। तो फ्रंट में आपको USD फोर्क्स देखने को मिल जाते हैं अपसाइड डाउन। तो ये सारा चेंज किया था वर्जन 2 में। यहाँ पे MT15 की बैजिंग, और मतलब कि जो मॉन्स्टर एनर्जी एडिशन है सबसे हट के लगता है, और फिलहाल इससे ज़्यादा हट के मुझे ये वाला कलर लगता है तो मेरा फेवरेट कलर है। तो फिलहाल इस पे आते हैं, तो ये कलर काफ़ी ज़्यादा अलग है। यहाँ पे आपको ये मॉन्स्टर का M देखने को मिलता है, और इधर साइड मॉन्स्टर एनर्जी लिखा हुआ। और ये इसमें पर्टिकुलर इस बाइक में आपको यहाँ पे ये जो है जो लोगो है वो गोल्डन देखने को मिलता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और इधर दिखा देता हूँ मैं, इसमें आपको गोल्डन नहीं मिलेगा, ये देखो। सो इसको मतलब प्रॉपर अलग कर दिया जाता है, पूरी बाइक को अलग काफ़ी बनाया जाता है। तो यहाँ पे आपको गोल्डन लोगो देखने को मिल जाता है विद गोल्डन USD फॉक्स, और यहाँ पे यमा लूप का स्टिकर वगैरह। तो काफ़ी चीज़ें इसमें दी गई हैं, अलग कर दिया गया है पूरा। और इंजन पावर वगैरह दोनों का सेम है। ये ये इंजन प्रोड्यूस करता है 18.14 BHP 10,000 RPM पर, और न्यूटन मीटर टॉर्क की बात करें तो 14.1 प्रोड्यूस करता है। तो फिलहाल BS6 कंप्लायंट इंजन है। आवाज़ काफ़ी ज़्यादा इस पूरी बाइक की स्मूथ रहती है। इंजन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और रिलायबल होते हैं यामाहा के, और BS6 का तो मतलब काफ़ी स्मूथ लगा मुझे। और फिलहाल ये बाइक यहाँ पे आपको मिल जाती है लिक्विड कूलिंग के साथ। तो फिलहाल इसका एक शोरूम प्राइस मैं बता देता हूँ आपको कितना है। ये आती है 1,65,400 रुपीज़ की एक शोरूम, और ये आती है 1,64,400 रुपीज़ एक्स शोरूम। तो मतलब थोड़ा सा ही इस दोनों में फ़र्क है। और ऑन रोड में भी ये आपको मेरे ख्याल से 1,97,000 की पड़ेगी, और ये वाली शायद आपको इसी में 2-3 हज़ार का कम या फिर कम ही पड़ेगी। ये 2,000 आपको कम पड़ेगी, ये 2,000 ज़्यादा पड़ेगी, क्योंकि जब मैंने बाइक ली थी तो मुझे थोड़ा सा 2,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ा था। तो फिलहाल ये कलर आता है लिमिटेड टाइम के लिए, और काफ़ी सारा लिमिटेड एडिशन है तो फिर अलग ही होता है, तो प्राइस भी थोड़ा अलग देना पड़ेगा आपको। यहाँ पर भी आपको यमा लूब ये सब कुछ देखने को मिल जाता है। प्रॉपर आप इसमें भी अच्छे से राइड कर पाओगे, टूर वगैरह कर पाओगे। सीट की बात करूँ तो कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं होती है, पीछे की तो बिल्कुल नहीं होती, आगे वाले के पास तो फिर भी इतनी जगह है, पर जो पीछे आदमी बैठता है उसके पास बहुत कम जगह होती है। इतनी क्योंकि मैं इलाहाबाद गया था दोस्त के साथ तो झेल गया था तभी से मुझे मतलब एकदम मैं बैठना ही छोड़ दिया भाई साहब MT15 में। तो पीछे के लुक से बात करें तो नॉर्मल आता है, बस यार लिमिटेड एडिशन होता है तो इसमें LED इंडिकेटर्स देने चाहिए मुझे ऐसा लगता है, पर फिलहाल देता नहीं है यामाहा। 750 रुपये का एक इंडिकेटर आता है, वो आप लो, और ये वाले 150 रुपये के या फिर शायद 250 रुपये का एक आता है। तो फिलहाल चेंज करना चाहिए, और लुक वगैरह देख लो एक बार आप, तो काफ़ी अलग लुक आएगा। आप बाइक खड़ी करोगे मार्केट में तो काफ़ी अलग सा लगेगा, और एक वो वाला कलर भी काफ़ी अलग लगने वाला है। तो फिलहाल अब बात कर लेते हैं बाइक लेनी किसको चाहिए। सो बताता हूँ कि बाइक किसको लेनी चाहिए। फिलहाल अगर आप कॉलेज वगैरह में तो आप ले सकते हो इससे प्रॉपर रोला जमाने के। रोला जमाना है लोंडो में, रोला क्रेज दबदबा के लिए, क्योंकि बाइक तो अलग लगती है और लिमिटेड टाइम के लिए आती है, तो बहुत कम ही लोग ले पाते क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं इसके बारे में। तो आप ये वाला कलर ले सकते हो कॉलेज वगैरह जाने के लिए, और रेगुलर यूज़ के लिए भी ये बाइक काफ़ी अच्छी है, प्रैक्टिकल बाइक है। आप इसमें बहुत अच्छे से बैठ जाते हो, इतना ज़्यादा आपको झुकना नहीं पड़ता जैसे R15 में झुकना पड़ता है। और मुझे लगता है कि वर्जन 4 की जो भी सिटिंग पोस्चर है थोड़ा सा अच्छा किया गया है, क्योंकि मैंने अपने दोस्त की चलाई थी तो सही लग रहा था। तो फिलहाल MT15 की बात कर लेते हैं, तो काफ़ी सही है, और यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी सीटिंग पोजीशन देखने को मिल जाती है। तो ये देखो, तो काफ़ी सही रहता है, आप आराम से बैठ के चला सकते हो, और मीटर वगैरह भी काफ़ी सही से दिख जाता है। बाइक थोड़ी सी ऊंची है, देख लो मेरा पैर नहीं आ रहा है तो ऐसा लगता है मुझे। और फिलहाल ये देखो, जो इसके मिरर से उतना ज़्यादा काम नहीं आता क्योंकि दिखता है नहीं कुछ पीछे प्रॉपर, मेरे वाले बाइक में जो मैंने लगाए उससे तो बेहतर ही है। तो फिलहाल थोड़ा बहुत दिख जाता है, उतना खास नहीं है मिरर इसके, पर थोड़ा सा अच्छे कर देने चाहिए तो थोड़ा अच्छा सा पीछे से दिखेगा और ये प्रॉपर लुक आता है। और अपनी बाइक किसी से कम है कि MT15 प्रॉपर रोबोट वाली फील आती है जब इसको सामने से देखोगे, तो काफ़ी अलग है। तो फिलहाल
सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो हिट लाइक एंड टू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राइड सेफ एंड बी सेफ। और एक और सबसे ज़रूरी चीज़ भाई, दिल से बुरा, सॉरी मतलब दिल यहाँ नहीं, यहाँ ये माइक है, तो दिल से बुरा लगता है यार, जल्दी से 1K करवा दो, इतनी मेहनत कर रहे हैं, पसीना वगैरह बहा रहे हैं, तो जल्दी से 1K करा दो भाई, मज़ा आ जाएगा। और मिलते हैं आपको ऐसी तड़कती भड़कती नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।